हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। मैं इस वीडियो में उसी के बारे में अपडेट देने वाला हूँ। सो यस फ्रेशर्स, इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल है। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, विदाउट गेट है। इसमें आप लोग को सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम यानी कि बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की तरफ से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को हर एक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और उसके साथ साथ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कुछ वैकेंसी रिजर्व्ड है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस की कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए गेट स्कोर का भी कोई भी रिक्वायरमेंट यहीं पे नहीं है। सो अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड नहीं हो तब भी आप लोग इसके लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोग को सैलरी 45,000 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट 21 ईयर्स लेके 37 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स तक रखा गया है, और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 42 ईयर्स तक रखा गया है। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आप लोग बिहार के डोमिसाइल हो तो ही आप लोग केजी एक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। बट अगर आप लोग दूसरे स्टेट में से बिलोंग करते हो और इसके लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में आप लोग को एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। इसमें आप लोग को इनिशियली 1 साल के लिए हायर किया जाएगा, और उस 1 साल में आप लोग का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट, आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को रजिस्टर्ड या तो स्पीड पोस्ट के थ्रू पे सेंड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, यानी कि मेल के थ्रू पे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को इन पर्सन सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। तो इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को इसका एक ऑफिशियल ऑफलाइन फॉर्म है जिसको अच्छे से फिल करना है, और फिल करने के बाद उसके साथ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। उसके अलावा अगर आप लोग SC/ST OBC कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर आप लोगों के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उस केस में आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो तो उस केस में आपका जो गेट स्कोर कार्ड है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका आधार कार्ड का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ एक्स्ट्रा 2 recent color पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस इसमें मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 17th April 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग मेल के थ्रू पे सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। तो उस केस में फर्स्ट आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है, और प्रिंट करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपीज आप लोग को अटैच करके एक सिंगल PDF बनानी पड़ेगी, और जिस PDF को आप लोग को इसका जो ऑफिशियल ईमेल ID इसमें मेंशन है आप लोग को उसी ईमेल ID पे 17th April 2023 से पहले मेल सेंड करना होगा। और मेल सेंड करने के टाइम आप लोग को सब्जेक्ट में मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। ये मेंशन करने के बाद आप लोग को उस मेल को सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग इन पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो।
अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस में आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी। इसमें कोई भी एग्जामिनेशन कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं रखा गया है, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग शॉर्टलिस्ट होते हो तो उस केस में आप लोग को ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आप लोग को वहां से भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। तो फ्रेंड्स ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन, इसमें आप लोग को ऑफलाइन फॉर्म दिखाया था। तो फ्रेंड्स ये है इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप लोग देख पा रहे हो, जिसमें फर्स्ट आप लोग को एक सेल्फ अटेस्टेड रिसन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहीं पर अटैच करना होगा। उसके बाद आपको आपका नेम फिल करना है, नेक्स्ट आपको आपका फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और एज यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका नेशनलिटी, मेरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। उसके साथ साथ आपको आपका कैटेगरी, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे फिल करना होगा। उसके बाद अगर आप लोग गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हो तो उसका डिटेल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो, अगर नहीं हो तो उस केस में आप लोग इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग के पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स भी आप लोग कहीं पे फिल कर सकते हो, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उस केस में आप लोग इसको छोड़ सकते हो। और उसके बाद आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स अटैच करोगे उसका नेम आप लोग कहीं पे सीरियल वाइज मेंशन करना होगा और लास्ट में आपको आपका जो आधार नंबर है वो आप लोग कहीं पे फिल करना है। और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स में डिस्कस किया हो उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस मेंशन है आप लोग को उसी एड्रेस पे 17th April 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग मेल के थ्रू पे सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो, और अगर आप लोग इन पर्सन जाके सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये है इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना ताकि आने वाले वीडियो पे मैं आप लोगों के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब रोटेशन के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।